जब प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए थे तो तीन प्लेटफॉर्म्स पे वो इलेक्ट हुए थे, रोजगार, भ्रष्टाचार और किसान। और जनता के दिमाग में यह था कि प्रधानमंत्री सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। अब वो फीलिंग गायब हो गई है। अब जनता के दिमाग में यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद भ्रष्ट है। और यह सवाल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जीत का भी कारण है। इसका ये जो पहले लोगों के दिमाग में सवाल नहीं था, अब क्लियरली वो सवाल उठ गया है। और ये रियलिटी है, रियलिटी है कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी सच्चाई निकलेगी। बीजेपी की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे, उनको हम हराएंगे। हमने आज हराया है और 2019 में भी हम हराएंगे, मगर हम किसी को भारत से मुक्त नहीं करना चाहते हैं। अगर लोगों की थिंकिंग है, अप्रोच है, हम उसे अग्री नहीं करते हैं, हम उससे लड़ेंगे, बट हम किसी को देश से मिटाना नहीं चाहते हैं।